गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ जाएंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्लास स्टार्ट किया जाए हम लोगों का। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे और आज का पहला प्रश्न स्टार्ट किया जाए। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा मेरे प्यारे बच्चे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने का मतलब पहले पर क्या आएगा, दूसरे पर क्या आएगा, तीसरे पर क्या आएगा, चौथे पर क्या आएगा और पांचवे पर क्या आएगा, मुझे जल्दी से बताना है आप सभी को कमेंट में जल्दी से। आज टोटल हम लोग 37 प्रश्न हल करने वाले हैं, 37 प्रश्न हल करने वाले हैं। लगभग 1 घंटा 15 मिनट का क्लास है हम लोग का। जबरदस्त तरीके से जल्दी से इस प्रश्न का सभी विद्यार्थी कोशिश करेंगे क्या उत्तर होना चाहिए। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे। चलिए ध्यान से, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं, इसके बाद हम लोगों के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आते हैं, इसके बाद हम लोग के बीबी गिरी जी आते हैं, उसके बाद हम लोग के ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं और सबसे लास्ट में एपीजे अब्दुल कलाम जी बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन आएगा 2-1, 2-1, उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद क्या आता है, 5। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी करेक्ट है। सबको स्पष्ट है ये क्यों, यानी कि ये सबसे पहले राष्ट्रपति हैं, दूसरे पे हम लोग के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उसके बाद बीबी गिरी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं और सबसे लास्ट में एपीजे अब्दुल कलाम जी बनते हैं। सही रहा, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग कंचन, सुनील प्रजापति, गुड मॉर्निंग। स्पष्ट है आज का दूसरा प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे। बताना है सबसे पहले गंतव्य है, उसके बाद बुकिंग है, उसके बाद बोर्डिंग है, उसके बाद यात्रा है, उसके बाद प्लानिंग है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, दूसरे क्या होना चाहिए, तीसरे क्या होना चाहिए, मुझे जल्दी से कंफर्म कराइए, जल्दी से कंफर्म कराइए आप सभी, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे कंफर्म कराएंगे आप सभी जल्दी से। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन है। जल्दी से बताइए, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे। बहुत अच्छा, यानी कि सबसे पहले प्लानिंग होगी, सबसे पहले क्या होगी, प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद क्या होगी, बुकिंग होगी, बुकिंग का मतलब टिकट बुकिंग कराएंगे, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बोर्डिंग होगी, बोर्डिंग का मतलब आपका नाम नेम आएगा, उसके बाद आप यात्रा करेंगे और सबसे लास्ट में आप गंतव्य पर पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सवाल नंबर आज का तीसरा मेरे प्यारे बच्चे, इसे बताना है, ये तो इंग्लिश वाला है, इसको भी अभी कुछ ही देर के बाद सॉल्व किया जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा आप सभी। सभी प्रश्न कराए जाएंगे, एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, लेकिन बस वक्त आने दीजिए, क्योंकि वक्त को भी वक्त का इंतजार होता है। इसको बनाइए पहले, एक टाइप का जितना भी प्रश्न है ना, सभी प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। इसको बनाइए मेरे प्यारे बच्चे। सूची है, अनुक्रमिका है, शीर्षक है, अध्याय है, भूमिका है, क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले
किसी भी बुक में अनुक्रमांक नीचे रहता है, अनुक्रमांक रहता है। अनुक्रमांक के बाद हम लोगों की उस चैप्टर की भूमिका दी जाती है, भूमिका के बाद हम लोगों का उस चैप्टर में क्या अध्याय रहता है, कौन सा अध्याय के बाद मेरे प्यारे बच्चे उसके अध्याय का शीर्षक क्या है, और सबसे लास्ट में सूची क्या होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, बहुत ज्यादा बच्चे डिस्टर्ब हो गए इस प्रश्न को देखकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे। स्टार्टिंग है कंधा है, कंधा है, कलाई है, कुहनी है, हथेली है, अंगुली है। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे। सबको पता है, सबको पता है कि सबसे पहले अंगुली आती है, अंगुली के बाद हथेली आता है, सही है, हथेली के बाद कलाई आती है, कलाई के बाद कुहनी आता है, और सबसे लास्ट में कंधा आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, बहुत प्यारा जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा अमित नाविक। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको बनाइए। लुगदी है, मुद्रण है, कागज है, खरीद है, प्रकाशन है। हो गया, लुगदी का मतलब जब पेपर जब बनाया जाता है ना उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग आजम, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, सबसे पहले लुगदी की जाएगी, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे कागज बनाया जाएगा, उसके बाद मुद्रण किया जाएगा, फिर उसको प्रकाशित किया जाएगा, तब लास्ट में खरीदा जाएगा। तो आंसर होगा 1-3-2, 1-3 ए आ हो गया। सबसे पहले लुगदी करेंगे, लुगदी के बाद कागज आएगा, कागज के बाद फिर मुद्रण करेंगे, उसके बाद प्रकाशन करेंगे, फिर खरीदेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। बहुत अच्छा विशाल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा सतीश, इसे बनाओ आप सभी। अवरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है, जल्दी से बताइए। डेट ऑफ बर्थडे है, अवरोही क्रम में सजाना है। इतना ज्यादा मैं रीजनिंग में अभ्यास करा दूंगा कि आपको रीजनिंग में कोई हटा नहीं सकता, और 50 प्रश्न आएगा तो 50 बनाएंगे आप सभी, वो भी समय के अंतर्गत। और रोही का मतलब छोट से बोर्ड कि बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा होता है, और रोही का मतलब होता है बड़ा से क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे 5/8/2020 है, और आज कितना तारीख है, 7/8/2020 है। यदि आपसे कोई पूछे कि 5 तारीख बड़ा होगा कि 7 तारीख बड़ा होगा, तो आप बताएंगे 5 तारीख बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि 5 तारीख पहले आया होगा और 7 तारीख क्या होगा, बाद में आया होगा। उसी तरह से 15/4/1950 है, 20/4/1950 है, सही रहा। तो सबको पता है कि 15/4/1950 है, तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चे ये तारीख आई होगी, सही है। उसके बाद हम लोगों की कौन सी तारीख आई होगी, तो 20/4/1950 आई होगी, यानी कि एक के बाद चार आना चाहिए, एक के बाद चार कौन आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग मधु। हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला करेक्ट है। सबको स्पष्ट है, सभी बच्चों को स्पष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें देख लीजिएगा, इधर 14/6/1960 है, 25/5/1960 है, सही है, फिर 14/5/1960 है। देखिए ये 5 महीना है, ये 6 महीना है, और ये 5 महीना है, तो 5वां महीना बड़ा होगा। तो ये 25 तारीख है, ये 14 तारीख, तो पहले 14 आएगा, तो फिर 14 आ जाएगा, उसके बाद फिर 25 तारीख आएगा, फिर अगला महीना आ जाएगा।
ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं लग रहा होगा कि अब आपको सजाने वजाने में दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे बनाइए आप सभी। इसे बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। सुमन कमेंट दिख रहा है, इसे बताइए। बहुत अच्छा, शिवम, जीतू, राजीव, मनीष, विशाल, अंजू, अमित, नाविक, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, एशिया नहीं है तो शुरुआत करेंगे किससे, अफ्रीका से। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका आता है, उत्तरी के बाद दक्षिणी आता है, उसके बाद यूरोप आता है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया आता है। तो सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है, तो ऑस्ट्रेलिया चार नंबर पे होना चाहिए, सबसे लास्ट में चार है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी उड़ा देंगे, ऑप्शन नंबर सी उड़ा देंगे, हो गया। बहुत अच्छा राकेश, टुडे गुड मॉर्निंग, सबको स्पष्ट, सबको क्लियर, जल्दी से बताइए। सबको क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सवाल नंबर आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको बनाइए। चलिए, कह रहा है ड्राइवर का कोड 12 है, वॉक ऑन फुट का कोड 20 है, एक्सीडेंट का कोड 16 है, तो कार का कोड क्या होगा, तो कार का कोड क्या होगा, कार का कोड क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे। आज का अगला सवाल बहुत बेहतरीन, चलिए जल्दी से मेरे प्यारे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी बच्चों का अच्छा आ रहा है। देखिए, एक दो तीन चार पांच छह, ड्राइवर में छह अक्षर है, इसका दूना कर दिया, छह दूना कितना हो गया, 12 हो गया। इसी तरह से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस अक्षर है, दस का दूना कर दिया कितना, 20। उसी तरह से एक दो तीन, तीन है दूना कर देंगे, तीन दूना कितना, छह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है, यानी कि जितना भी अक्षर है उसका दूना किया जा रहा है। इसको बताइए मेरे प्यारे बच्चे, रीजन को 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा, तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे, गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, हो गया। एक सेकेंड का सवाल है, एक सेकेंड का सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुमन, इसका आंसर होगा 9, क्या होगा, 9 होगा, क्यों, क्योंकि एक दो तीन चार पांच छह, छह अक्षर है उसमें से एक घटा के लिख रहा है, तो उसी तरह से जितना अक्षर होगा उसमें से एक घटा के लिखेंगे। बहुत अच्छा कमलेश, बहुत अच्छा कंचन, बहुत अच्छा सतीश, बहुत अच्छा आजम आदित्य, बहुत अच्छा शेखर शिवांगी, ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसको बताइए, पंजाब मेल का कोड 30 है, शाहिद एक्सप्रेस का कोड 42 है, हो गया, गोदान एक्सप्रेस का कोड 36 है, तो मुंबई मेल का कोड क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा, जल्दी से, एकदम बिल्कुल सटीक उत्तर आना चाहिए, इसी को कहते हैं रीजनिंग में अभ्यास करना। और टारगेट बनाइए रीजनिंग में, एक दिन में 40 प्रश्नों का, एक दिन में 40 प्रश्नों का टारगेट बनाइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ध्यान से देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस है, दस में तीन का गुणा कर दिया, दस तीन कितना, 30, जितना भी अक्षर है। अब इसमें
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, तो 10 दिया ही 30, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला वाला करेक्ट है। बहुत अच्छा शेखर चौरसिया, बहुत अच्छा कौशल, बहुत अच्छा कमलेश, हो गया। ये तो प्रश्न हम लोगों का जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ और भी प्रश्न मेरे पास है, बेहतरीन बेहतरीन कोशिश करते हैं। इसको सजाइए जल्दी से, इसको सजाइए जल्दी से, किसके बाद क्या आएगा और कौन आएगा जल्दी से बताइए। वाक्य है, अध्याय है, वर्ण है, किताब है, शब्द है, अनुच्छेद है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा क्या नहीं होगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे कोशिश करिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जल्दी से बताइए। सबसे पहले तो हम लोगों के पास क्या आना चाहिए, वर्ण आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर्ण आना चाहिए, तीन आना चाहिए। वर्ण के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए, वर्ण से क्या बनता है, शब्द बनता है, ठीक है। शब्द से हम लोगों का क्या बनता है, तो वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है, और वाक्य से हम लोगों का क्या बनेगा, अनुच्छेद बनेगा, और अनुच्छेद से हम लोगों का क्या बनेगा, अध्याय बनेगा, और अध्याय के बाद क्या बन जाएगी, किताब बन जाएगी, सही है। तो तीन से स्टार्ट है, तीन से नहीं है, उल्टा कर दीजिएगा, 42, 61, 53, 42, 61, 53 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हो गया। मनीष का कमेंट आ रहा है ऑप्शन नहीं है, मनीष ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऑप्शन मिल जाएगा मेरे भाई, हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट है, बहुत बेहतरीन। इसको बनाओ जल्दी से आप सभी। एड़ी है, कंधा है, खोपड़ी है, गर्दन है, घुटना है, छाती है, जांग है, पेट है, चेहरा है और हाथ है, इसको सजाना है, इसको सजाना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, कौन ऑप्शन होगा, बहुत बेहतरीन है। हो गया, मिलेगा आजम, सब कुछ मिलेगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चे, शरीर का ऊपरी हिस्सा, सबसे पहले खोपड़ी आती है, क्या आती है, खोपड़ी आती है, खोपड़ी के बाद हम लोगों का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, चेहरा आएगा ना, खोपड़ी के बाद क्या आएगा, चेहरा आएगा, खोपड़ी के बाद चेहरा आएगा, और चेहरे के बाद हम लोगों का क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो चेहरे के बाद गर्दन आती है, क्या आती है, गर्दन आती है, गर्दन के बाद क्या आता है, तो आप बताएंगे कंधा आता है, मिला लीजिएगा, 3, 10, 3, 9, 4, 2, हो गया, 3, 9, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सही है। शरीर के पार्ट का हम लोगों का हिस्सा दिया था, उसी के बारे में पूछा था, ये बनाओ, देखिए कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया, कह रहा है पत्ती है, फल है, तना है, जड़ है, फूल है, क्या होगा, देख लीजिए कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, और सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, एकदम बार बार रिपीट होता है, इसे बताइए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा इसे बताइए, पत्ती है, फल है, तना है, जड़ है, फूल है, चलिए सबसे पहले जड़ आएगा,
जड़ के बाद क्या आएगा? तना आएगा। तना के बाद पत्ती आएगा, पत्ती के बाद फूल लगेगा, और फूल के बाद क्या होगा? फलेगा। यानी कि जड़ के बाद तना आएगा, चार तीन उसके बाद एक, चार तीन एक, चार तीन एक, चार तीन एक। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी करेक्ट है। लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, चार तीन एक उसके बाद, सॉरी 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 सॉरी, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हो गया चार के बाद तीन, तीन के बाद एक, तो एक के बाद फूल ना, उसके बाद फल है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें पहले फल है तब फूल है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा, मैंने बस ख्याल नहीं किया, इसलिए आप लोग घबराइए मत। चलिए इस प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। चलिए, कह रहा है एक शब्द है, उस शब्द का नाम है क्रिएशन। में ऐसे कितने अक्षर है जिनके प्रत्येक के आरंभ में उतनी ही दूरी है जितने की वर्णमाला के अनुसार क्रमबद्ध किए जाते हैं? आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आपको बताना होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसमें चालू कर दीजिए, जल्दी से बताइए। चलिए ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना अच्छे से। देखिए, सी है, आर है, ई है, ए है, उसके बाद टी है, आई है, ओ है, और क्या है? यन है। सही है, मुझे सबको लेके एक एक बार पढ़ना है, ठीक है। इधर देखिए, सी के बाद डी आता है, लेकिन यहां पर आर है। डी के बाद क्या आता है? ई आता है, तो यहाँ पर ई है। तो आप बताएंगे कि पहला जो जोड़ा बनेगा उस जोड़ा का नाम होगा सी, और क्या बनेगा? ई बनेगा। क्यों? अब देखिए, ई के बाद यफ आता है, उसके बाद जी आता है, जी के बाद यच आता है, यच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है, तो नहीं मिला। दूसरा चेक करते हैं, शुरू में आपको टाइम लगेंगे। देखिए, आर के बाद यस, यस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद भी W, X नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए। E के बाद यफ, यफ के बाद Z, H, I, J नहीं आया। T के बाद U भी W नहीं आया। I के बाद J नहीं आया। फिर O के बाद P आता है, नहीं आया। लेकिन इधर से देखिए, N के बाद, N के बाद क्या आता है? O आता है, तो यहाँ हो जाएगा N O। बाकी सब किसी को चेक कर लीजिए, नहीं मिलेगा। अब बताएंगे कितने जोड़े बनेंगे? दो जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे? दो जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? दो जोड़े बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नीरज संगम, सबको क्लियर है। इसमें कितने जोड़े बनेंगे? दो जोड़े बनेंगे। संदीप, कमेंट दिख रहा है तुम्हारा भाई? कमेंट दिख रहा है, इसमें दो जोड़े बनेंगे, इसमें दो जोड़े बनेंगे, ठीक है। इसी पर एक बेसिड और प्रश्न है, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन बेहतरीन जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसमें बताइए कितने जोड़े बनेंगे। चलिए, इसमें बताइए कितने जोड़े बनेंगे, इसमें कितने जोड़े बनेंगे, जल्दी से बताइए। इसमें कितने जोड़े बनेंगे, जल्दी से बताइए। शिवांगी विश्वकर्मा, कौशल बिन, नीरज संगम, अंजू, आजाम, स्नेहा, सुमन, राजन, संदीप, अमित, नाविक। बहुत अच्छा, इसे बनाइए। कितने जोड़े मिलेंगे, कितने जोड़े मिलेंगे, कितने जोड़े मिलेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से कोशिश करिए। इसमें कितने जोड़े मिलेंगे? अभी तक किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया, अभी तक किसी बच्चे का उत्तर भी नहीं आया। पारुल का आ रहा है, दो गलत है पारुल,
विशाल का एक आ रहा है, गलत है विशाल। हो गया, चलिए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे, कितने जोड़े मिलेंगे? तीन जोड़े मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तीन मिलेंगे, सही है। कैसे? ध्यान से देखिए, वहीं पर हम काउंटिंग करा देते हैं। देखिए, यस के बाद टी नहीं है, यू भी डब्लू एक्स वाई जेड, उसके बाद ए बी सी नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिला तो यहां पर देखिए पी के बाद क्यू, पी क्यू के बाद आर, आर के बाद यस टी यू भी डब्लू एक्स वाई नहीं मिला, इसको भी हटा देंगे। ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यस, यस के बाद टी, टी के बाद यू और यू के बाद भी, अभी के बाद डब्लू, मिला नहीं मिला, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। अब देखें यन के बाद यन, यन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यस, यस के बाद टी और टी के बाद यू, ये भी नहीं मिला। बड़ा खतरनाक है, मिल ही नहीं रहा है। टी के बाद यू, यू के बाद भी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, मिल ही नहीं रहा। यन तक, टी तक खत्म हो गया, कहां तक मिलेगा भाई? देखो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, ये भी नहीं मिला, हद है। यन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, नहीं मिला, कब तक? ई के बाद यफ, यफ के बाद जी, जी के बाद यच, फिर तो नहीं मिला, आखिर कब मिलेगा भाई? हो गया ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, नहीं मिला, हो गया, और यू के बाद भी नहीं मिला। उल्टा चले देखिए, यस के बाद टी, यू भी डब्लू एक्स वाई जेड ए बी, नहीं मिला। अरे यार, एक भी नहीं मिलेगा क्या? U के बाद भी, भी के बाद W, W के बाद X, X के बाद Y, Y के बाद Z, Z के बाद A, B, C, नहीं मिला। O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद T, मिला? नहीं मिला। O, O है, O है, हो गया, ओ के, ओ है ये, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, यस टी, यू भी नहीं मिला। चलिए अब देखिए ई के बाद यफ, जी, यच, आई, जे, के, यल, नहीं मिला, कोई बात नहीं है। यन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यस, यस के बाद टी, नहीं मिला, हद है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, आई के बाद एफ, नहीं मिला, हो गया। टी के बाद यू, यू के बाद भी, अभी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, नहीं मिला। अब देखिए यन के बाद ओ, मिला तो पहला हो जाएगा एन ओ, ओ के बाद पी, हो गया तो एक हो जाएगा, यन के साथ पी हो जाएगा, एक यन के साथ ओ हुआ, एक यन के साथ पी हो गया, अब एक ओ के साथ पी हो जाएगा, ओ और पी। देखिए एक यन ओ, एक यन पी, एक ओ पी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा होगा। हो गया, किरण का कमेंट आ रहा, एक ही होगा, कैसे एक ही होगा किरण, कैसे एक ही होगा, कैसे एक ही होगा? तीन कैसे तीन कैसे मिला, समझ में आया सबको? जल्दी से बताइए, तीन कैसे आया, सबको मिल गया? जल्दी से बताइए, तीन कैसे आया, सबको मिल गया? आगे चलें, जल्दी से कमेंट करिए आप सभी, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, बहुत अच्छा, सबको मिल गया। इसको बताइए कितना मिलेगा, इसको जल्दी से बताइए कितना मिलेगा इसमें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबको आ गया, बिल्कुल आ जाएगा। संजीव कुशवाहा, नीरज संगम, अर्जुन, सतीश, बहुत अच्छा, सबको आ जाएगा मेरे भाई। इसको बताइए,
इसमें कितने जोड़े मिलेंगे, इसमें कितने जोड़े मिलेंगे एटमॉस्फियर में, एटमॉस्फियर में, बहुत अच्छा, एटमॉस्फियर में कितने जोड़े मिलेंगे, कोशिश करिए और जल्दी से मुझे बताइए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। नीरज संगम का दो आ रहा है, नीरज घबरा के उत्तर नहीं दिया जाता है मेरे बच्चे, जल्दी से बताइए। राजीव का कमेंट आ रहा है कि बहुत मजा आवत है गुरुजी। राजीव मजा मत लो मेरे भाई, पढ़ाई करो, क्योंकि जो मजा लेता है अक्सर वही एक दिन सजा भुगतता है, इसे बताओ मेरे बच्चे। कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, बहुत अच्छा। अमरजीत का चार आया, अमरजीत भाई गलत है आपका। विशाल का तीन आया, तीन आएगा, कितना आएगा, तीन आएगा। मधु का तीन आया, गायत्री गौतम का भी तीन आया, जल्दी से बताइए सबको स्पष्ट है कि नहीं है, बता दूं, जल्दी से बताइए, जल्दी से, 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 चलिए देखिए जो बच्चे नहीं बना पाए होंगे मिला लीजिएगा, बताएं, आ गया तीन, कौन कौन, एक एमपी होगा, देखिए एक एमपी होगा, क्या होगा, एमपी होगा, देखिए यम के बाद यन, यन के बाद ओ और ओ के बाद पी है, एमपी हो गया। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा हाँ, दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, आर 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 आर, दूसरा क्या होगा जल्दी से बताइए, दूसरा क्या होगा, ई ई पी, देखिए जल्दी से, दूसरा ई एच होगा, दूसरा ई एच होगा, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है ई एच होगा, ई एच होगा, इधर देखिए ई के बाद यफ, यफ के बाद जी, और जी के बाद क्या होता है यच, हो गया यच ई आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और मिलाना है, जल्दी से मिला लो, एक जल्दी से मिला लो मेरे प्यारे बच्चे। एक पीटी बच्चे का कमेंट आ रहा है, तो देखिए पी के बाद क्यू, क्यू के बाद यस, यस के बाद, सॉरी पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यस, आ यस के बाद टी, बहुत अच्छा, एक पीटी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी बच्चे बच्चियों का सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो गया। अब ऐसे प्रश्न यदि आपको दिए जाते हैं तो आप हवा में उड़ा देंगे, मुझे लगता है कि अब आप हवा में उड़ा सकते हैं ऐसे सवालों को, बहुत बेहतरीन सवाल था। देखिए इसको बनाइए, कितनी बार रेलवे की परीक्षा में आ चुका है, देखिए, और मुझे जल्दी से बनाइए और बना के मुझे जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा। कह रहा है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ट्रिपल को इतना ये सब लिखा जाता है तो डिस्पोज को कैसे लिखा जाएगा। देखिए कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, कितनी बार, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होना चाहिए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, एकदम सभी बच्चे, बहुत अच्छा आजम, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चे। हो गया, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, टी आता है 20 पर और यस आता है 19 पर आता है, कितने पर आता है, 19 पर आता है, हो गया, कितना घटा दिया, एक घटा दिया, आर 18 पर आता है, एक घटा दिया, सब में से एक है घटा दीजिए, डी में से एक जाएगा, सी एस में से एक जाएगा, यच
और यस से पहले क्या आता है, आर आता है, सी एच आर, तो सी एच आर सब में है। पी से पहले क्या आता है, ओ आता है, सी एच आर ओ, सी एच आर ओ सब में है। ओ से पहले क्या आता है, यन, यन आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये एम वाला नहीं होगा, ये भी यम वाला नहीं है, ये ओ वाला है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गजब, कमाल करते हैं आप सभी, बहुत खुशी होती है आप लोगों को पढ़ाकर मुझे। इसी बनाओ आप सभी, क्योंकि आप लोग मल्टी टैलेंटेड हैं। इसे बनाओ आप सभी, क्या उत्तर होना चाहिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या उत्तर होना चाहिए। बहुत अच्छा, बिल्कुल सबको एकदम आ गया होगा, सबको आ गया होगा, सभी बच्चे बच्चियों को आ गया होगा। इसे बताइए जल्दी से, कितना हुआ अभी, आगे कर ले लीजिए। कुछ भूगोल से, कुछ संविधान से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या होगा। सब में से एक माइनस किया, कितना किया है, एक माइनस किया कि प्लस किया है, एक जोड़ा है, एक घटाया है, एक बच्चे कह रहा है ना। देखिए यस यस में से एक घटेगा, आर हो जाएगा, वाई में एक जोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक जोड़े, एक जोड़ेंगे तो बी के बाद एक जोड़ेंगे सी, ओ में पी में से एक घटाएंगे, ओ हो जाएगा, यम में एक जोड़ेंगे यन हो जाएगा, यू में से एक घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चे टी हो जाएगा, सी ओ एन टी, सी ओ एन टी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, नहीं समझ में आया, हो गया। बहुत अच्छा, अभी बी हो भी और ए भी होगा, आगे देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए चेक कर लीजिएगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर ए चेक कर लीजिए, सही होगा, कंट्रोल होगा, ऑप्शन नंबर ए चेक कर लीजिएगा, सही होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ हाँ ए होगा, मैंने भी ए ही लगाया है आप लोगों के कहने पर। इसे बना दो आप सभी जल्दी से, इसे बना दो, सिर्फ मुझे बस अब ऑप्शन पसंद करना है, क्योंकि आप लोगों को चलने का तरीका मैंने बताया है। इसे बताइए क्या उत्तर होगा। सुमन गलत नहीं है, हो गया, उस प्रश्न का मैंने भी यही बताया है। इसे बताइए जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा, धुआं धुआं का मतलब एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा मेरे भाई। इसे बताइए, इसे बताइए जल्दी से क्या होगा। सीधी सी कहानी है मेरे प्यारे बच्चे कि भी 22 पर आता है, वाई 25 पर आता है, तीन जोड़ा है, तीन जोड़ दीजिए, तो यफ 6 पर आता है, तीन जोड़ देंगे 9, ए 1 पर आता है, तीन जोड़ देंगे 4, तो ये आई हो जाएगा, आई के बाद 4 पर डी आता है, आई में 9 जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, आई डी एल ओ, आई डी एल ओ हो गया। ये नहीं होगा, इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, कौन सा ऑप्शन, डी लगा दें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यू में तीन जोड़ेंगे 24 होगा, 24 पर क्या आता है, एक्स आता है, आर 18 पर आता है, 18 तीन 21, 21 पर यू आता है, और 5 तीन 8 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सब में तीन तीन जोड़ना था, सब में तीन प्लस करना। जीतू गाजीपुर गलत है मेरे भाई जीतू, इतना बेहतरीन जवाब कहां से लाते हो, वो भी गलत और इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो।
शेर शाह सूरी का मकबरा जानते हो कहाँ पर है? सासाराम में है। ठीक है, चलो। रोहतासगढ़ का किला शेर शाह सूरी ने बनवाया था। इसे बताओ जल्दी से, आप सभी इसे बताइए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे। यशवंत मेरे भाई, इसको जल्दी से बताओ। हो गया, अजय का कमेंट आ रहा है, सासाराम। बहुत अच्छा, एक व्यक्ति है, उनका नाम है कार्निघन। इन्होंने शेर शाह सूरी की मकबरा ताजमहल से की है। हो गया, उनका नाम है अलेक्जेंडर कार्निघन। इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता कहते हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सटीक है, सही है। सभी दो जोड़ दे रहा है, कितना जोड़ दे रहा है? दो जोड़ दे रहा है, दो जोड़ दे रहा है। बहुत अच्छा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला करेक्ट है। बेहतरीन आप लोग खेल रहे हैं सवालों के साथ, सवालों के साथ एकदम जबरदस्त आप लोग खेल रहे हैं, मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा आप लोगों को सवालों के साथ खेलकर। सवालों का दुर्व्यवहार कर दे रहे होंगे आप लोग। ये प्रश्न देखिए, अब ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं, एक बार आप सभी कोशिश करिए। चलिए इसको जल्दी से बनाइए मेरे प्यारे बच्चे। कह रहा है कि शब्दकोश के हिसाब से निम्न में से कैसी व्यवस्थित किया जा सकता है? पहले कौन आएगा, दूसरे कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कौन कौन क्या क्या आएगा और कब आएगा और क्यों आएगा और कैसे आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। किरण को नहीं पता है, कोई बात नहीं है, किरण पता चल जाएगा, अभी बता देते हैं किरण आपको, अभी बता देते हैं किरण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी बच्चों का आ गया, किरण का नहीं आया, कोई बात नहीं। किरण देखिए, सबसे पहला अक्षर देखते हैं, सबका पहला देखते हैं, सब में ए है, ए ए ए, सबका ए गायब कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा अक्षर देखते हैं, सब में देखिए यहाँ पर सी है, सी है, सी है, और यहाँ भी सी है, और यहाँ भी सी है, गायब कर देंगे, सही रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ आर है, यहाँ ए है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है ना कि सबसे पहले देखें, ए है, सी है, ई है, आर है, ए है, तो सबसे पहले ए बी सी डी में ए आता है, तो ए कितने में आ रहा है? तो पहला में आ रहा है और चौथे में आ रहा है। तो देखिए पहला और चौथा छोड़ लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, तो देखिए ए और ए कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आर है और यहाँ पर डी है, तो मेरे प्यारे बच्चे आर बाद में आता है और डी पहले आता है, तो सबसे पहले चार हो जाएगा, चार के बाद क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने किसको किसको छोड़ा था? तो तीसरे को छोड़े थे, चौथे को, पांचवे को छोड़े थे और दूसरे को छोड़े थे। अब देखें यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे सी है, यहाँ भी सी है, लेकिन यहाँ पर आर है, तो आर तो बाद में होगा। दोनों सी को देखेंगे तो दोनों का सी कैंसिल हो जाएगा, दोनों का ई कैंसिल हो गया। अब डी है, यन है, तो सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद यन आएगा, तो उसके बाद तीन हो जाएगा और तीन के बाद पांच आ जाएगा, सबसे लास्ट में दो। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला वाला करेक्ट है। सबको स्पष्ट है? जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से, जल्दी से। बहुत अच्छा सब, बहुत अच्छा सदाब, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे, स्पष्ट है? जल्दी से बताइए, बोलिए यार, बोलते क्यों नहीं हो, एकदम शांत बना लेते हो, ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर तूफान आया था, बारिश हुई थी, आपकी एक कश्तियां चल रही थी, उस कश्ती में आप सवार थे, कश्तियां डूब गई, आप उसमें से तैरते हुए पार कर रहे हैं और पार करते हुए उस पार को पहुंच रहे हैं जहां पर आपकी मासूका रहती है।
हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। समझ में आया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बोलो, नीता संगम क्या तुम्हें? जल्दी से बताइए, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से आगे चलते हैं। इसी प्रश्न का एक और जोड़ देने के लिए ये प्रश्न आया है, और बताइए दिए गए शब्दों में वर्ण का क्रम बनाकर उस शब्द का चयन कीजिए जो चौथे नंबर पे आता है, जो सबसे लास्ट में आएगा। मुझे जल्दी से बताओ आप सभी। हो गया? आजम का कमेंट आ रहा है कि मेरी मासूका मुंबई से आएगी। हो गया? चलो आजम, तुम अपनी मासूका को यहीं से ले लो, मुंबई से मत लाना, नहीं तो पता है तुमको दुबई लेके चली जाएगी। समझ में आया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा? चलिए मेरे प्यारे बच्चे, मुझे चौथे नंबर पे चाहिए। चौथे नंबर पे, चार नंबर पे, देखिए सबका सी उड़ा दीजिए क्योंकि सब में सी है। अब देखिए यू है, ओ है और यू है, तो सबसे पहले मालूम है कि आपका ओ आता है, तो ये सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा। ये कितने नंबर पे हो जाएगा? पहले नंबर पे। अब सबका यू उड़ा दो मेरे भाई, सबका यू उड़ा दो। उसके बाद यस है, आर है और टी है, तो सबको पता है कि सब उसके बाद आर आता है। क्या आता है? आर आता है, तो ये दो नंबर पे हो जाएगा। और आर के बाद यस आता है, ये तीन नंबर पे हो जाएगा, और उसके बाद टी आता है, तो मुझे चौथे नंबर पे चाहिए था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हो गया सबको क्लियर, सबको स्पष्ट? अभी भी कंचन का, कंचन का, कंचन का कजन आ रहा है। हो गया? सुमन का भी आ रहा है, ठीक है। चलो सर वो मुंबई गई थी, आ गई है वहां से, तो फिलहाल में आजम उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पर करा दो, जब मुंबई से आई है तो। हो गया? राजनाथ का कमेंट आ रहा है एक बार फिर से, मेरे भाई राजनाथ मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुंबई तो भेजा था बस। चलो इसको देखो राजनाथ, देखो सब में सी है, सब में सी है, सबका सी उड़ा दिए हम। अब देखिए यहाँ ओ यू है, यू है और ओ है, यू है, तीन जगह यू है, एक जगह ओ है, तो ए बी सी डी में पहले ओ आता है फिर यू आता है, तो ये पहले ओ आता है, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। अब सब में यू है, सबका यू उड़ा देते हैं। अब देखना यहाँ पर यस है, आर है और टी है, तो सबसे पहले आर आता है, ये दो नंबर पर, आर के बाद क्या आता है? यस आता है, तीन नंबर पे, और उसके बाद टी आता है, तो चौथे नंबर पे पूछा है। हो गया? चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। इसे बताओ मेरे प्यारे बच्चे, सबसे अंतिम वाला शब्द, सबसे अंतिम वाला शब्द का मतलब सबसे लास्ट में चौथे नंबर पे किसे रखा जाएगा? हो गया? नीरज संगम का कमेंट आ रहा है, जीएस कब चलेगा, कब चला दूं, जल्दी से बता दो। हो गया? नीरज अजय का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा मेरे भाई, तुम तो दिल ही जीत लिए, इतना बेहतरीन बेहतरीन बातें कहां से लाते हो कि जो मुंबई से आते हैं उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। कुछ बच्चों का सी आ रहा है, कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों का इधर उधर आ रहा है, जल्दी से बताइए। सी वाला सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, उन्हीं बच्चों पर मैं बहुत विश्वास करता हूं कि मुझे मुझे डूबने नहीं देंगे, हमारी कश्तियों को डूबने नहीं देंगे, तो मैं बहुत आप लोगों पर विश्वास करता हूं, और आप ही लोगों के विश्वास की वजह से ऑप्शन नंबर सी को हम ट्रिक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। सब सबको स्पष्ट है? आगे थोड़ा सा साइंस का भी ले लो पोर्शन,
जल्दी से बताइए, सबको स्पष्ट है? जल्दी से कमेंट करिए आप सभी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से बोलिए यार, बोलते क्यों नहीं हो आप सभी? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बहुत अच्छा, इसको बनाओ आप सभी, एकदम अभ्यास करिए। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पर आएगा, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा दीपक, कहाँ थे मेरे भाई दीपक? हो गया अजय मौर्य शाम को। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे, तीसरे नंबर पे बताना है, तीसरे नंबर पे बताना है। बहुत अच्छा हो गया, आजम का कमेंट आ रहा है, बता दीजिए आजम, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसी सवाल को देखो, सब में यम है, सबका यम उड़ा दीजिए, सब में ए है, सबको ए को उड़ा दीजिए। हो गया, अब देखिए सब अलग अलग है, जी है, टी है, जी है, आर है, तो सबसे पहले जी आता है, ये भी जी आता है, इन्हीं दोनों फैसला कर लो, जी और जी दोनों सेम है, खत्म हो गया। यहाँ आई है, यहाँ यन है, तो सबसे पहले आई आता है, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ठीक है। ये टी है और ये आर है, तो आर पहले आता है, टी बाद में आता है, तो ये तीन नंबर पे आएगा और ये चार नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल सबको स्पष्ट है? किसी बच्चे को कोई शिकवा है, शिकायत है, किसी बच्चे को कोई समस्या है, तो अपनी समस्याओं को मेरे सामने रख सकते हैं कि सर जी नहीं समझ में आ रहा, दोबारा बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बहुत अच्छा बिंदु कुमार, युवराज खरवार, बहुत अच्छा, इसे जल्दी से बताओ आप सभी। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। बहुत अच्छा दीपक, इसे बनाओ आप सभी, बेहतरीन प्रश्न कह रहे हैं। शब्दकोश की व्यवस्था अनुसार सजाइए, वही सवाल है, कौन पहले पाएगा, कौन दूसरे पाएगा, कौन तीसरे पाएगा, कौन चौथे पर आएगा, जल्दी से बताइए। हो गया, अंजू का कमेंट आ रहा है कि नहीं आया, कोई बात नहीं है। हो गया, अमित नावी का कमेंट है, सर इसका पीडीएफ भेज दीजिए। भेजेंगे मेरे भाई, पहले तो पढ़ा तो लेने दो, पढ़ा ले कि अभी भेज दें ये बता दो मुझे, थोड़ा सा भाई पढ़ा लेने दो, जल्दी से बताइए कौन सा होगा, क्या होगा, कौन सा नहीं होगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बहुत अच्छा, 3214 आ रहा है, कितना रहा है, 3214, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, 24 होगा, यानी कि 3214 होगा, क्या होगा, 3214 होगा, 3214 होगा, बिल्कुल बेहतरीन सवाल। उसी पर एक और सवाल लगाते हैं, क्योंकि मालूम है रीजनिंग अभ्यास की चीज है, जो बच्चे नहीं करते हैं, आता है लेकिन समय ज्यादा लगता है, इसीलिए मैंने एक टाइप के लगभग 10-12 प्रश्न को सेलेक्ट किया है, जो परीक्षा में आए हैं, अभ्यास भी हो जाएगा और आप जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व भी करने लगेंगे, इसे बताइए आप सभी, ठीक है। इसमें बताइए, तीसरे स्थान पे पूछा है, तीसरे स्थान पे पूछा है, तीसरे स्थान पे पूछा है, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत अच्छा, जल्दी से, हो गया, एग्जाम होगा कि नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो गृह मंत्री हूं नहीं, रक्षा मंत्री हूं नहीं, लेकिन बस इतनी जानकारियां हैं मुझे कि जब भारत सरकार चाहेगी तभी आपका पेपर होगा, राज्य सरकार चाहेगी, उसके अलावा कुछ नहीं पता है किसी को। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे, क्या उत्तर होगा। कुछ बच्चों का बी आ रहा है, कुछ बच्चों का बी आ रहा है, जो बच्चों का बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, अगला मेरे प्यारे बच्चे, तीसरे स्थान पे पूछा है, जल्दी से बताइए तीसरे स्थान पे पूछा है कौन सा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
एकदम अजय, बिल्कुल एकदम शुभ चिंतक है मेरी भाई, ठीक है, बिल्कुल एकदम है, कोई शिकायत नहीं है। जल्दी से बताइए, सूरज खरवार, बहुत अच्छा, कहाँ थे मेरे सूरज? 8:30 हो गए, अब जागे, अब जाके अपना उजाला लाए सूरज। जल्दी से सूरज अपना निकल जाया करो मेरे भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से 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 मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से। हो गया, कुछ बच्चों का ए आ रहा है, कुछ बच्चों का सी आ रहा है, क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा ए वाला करेक्ट होगा, कौन सा होगा? ए वाला करेक्ट होगा। बता दूं कि सबको आ गया, बता दूं कि आ गया। हो गया, ए होगा दीपक, क्या होगा? ए वाला करेक्ट होगा, एकदम बेहतरीन है। ये प्रश्न हम लोग बनाते हैं, अब इसे जल्दी से बनाइए, आप सभी जल्दी से बनाइए मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, कह रहे सवाल में 16 बच्चों की एक पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर चला जाता है, तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी, कौन सी स्थिति पहले थी? बेहतरीन सवाल, जल्दी से बताएंगे। सर, जीएस का क्लास कब से स्टार्ट होगी? जीएस का, मेरे प्यारे बच्चे, मैं सोचता हूँ कि जैसे ही ये प्रश्न हम लोग का कंप्लीट होता है इसके बाद जीएस का क्लास स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगता है 8:45 या 8:50 से चालू चालू होगी। हो गया, नीरज का कमेंट आ रहा है कि प्रद्युमन को सर गुड मॉर्निंग बोल दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, मुझे बीच बिचौलिया बनाए हो कि ये चिट्ठी लेके फलानी को दे देना, हद करते हो तुम भी। हो गया मेरे प्यारे बच्चे, मैं बादशाह हूँ, मैं राजकुमार हूँ और तुम मेरे मंत्री हो। ठीक है, तो मंत्री हो तो मंत्री की तरह रहा करो, अब लगे हो तुम रक्षा मंत्री बनने की कोशिश में, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे राफेल से, समझे? या पबजी वाली बंदूक देखे हो, उसी से उड़ा देंगे तुम्हें। चलो इसको देखो आप सभी मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं मान लू कि यहाँ पर अनिल है, कौन है यहाँ पर? अनिल है, यहाँ पर कौन है? अनिल है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखना, कह रहा है अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है, किधर? बाईं तरफ। जब यहाँ पर कोई बैठ जाएगा तो ये उसका दाया होगा और ये क्या होगा? बायां होगा। क्या होगा? बायां। तो पहले एक्स होगा, तो जब इधर आएगा मेरे प्यारे बच्चे 2 स्थान, तो जब इधर आता है तो माइनस और इधर जाता है तो क्या? प्लस। तो जब इधर आ जाएगा 2 स्थान तो यक्स माइनस क्या हो जाएगा? 2। तो कितने नंबर पे आ जाता है? तो बता रहा है कितने नंबर पे? 7वें नंबर पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक्स माइनस 2 = 7, तो माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया? 7। टोटल कितने बच्चे हैं? 16। एक तरफ से 16, पूरा टोटल कितने हैं? 16 हैं। हो गया, टोटल मेरे प्यारे बच्चे टोटल कितने हैं? 16। दूसरी तरफ से कितना है? 9। और एक तरफ से यक्स माइनस 1 हो जाएगा, सही रहा? तो 9 में से 1 जाएगा 8 और 16 में से 8 जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका आंसर होगा 8वीं। क्या होगा? 8वीं आंसर होगा। जल्दी से बताइए। हो गया, अजय मौर्या का कमेंट आ रहा है, 7 गलत है अजय, बाकी सब बच्चों का सही है। बहुत बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल। हो गया, एक बच्चे के कमेंट आ रहे हैं कि इंग्लिश की क्लास कब होगी? इंग्लिश वाले सर कहीं और चले गए हैं कुछ दिनों के लिए, जैसे इंग्लिश वाले सर आ जाते हैं तो उनकी भी क्लास होगी, लेकिन फिलहाल में अंग्रेजी वाले क्लास जो है, इंग्लिश वाले सर थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं और जानते हैं इंसान हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है, मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं। ठीक है, ये सवाल आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से बनाया, सवालों के साथ एकदम खेल रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं जैसे 12 साल का लड़का किसी अपने छोटे मोटे कार BMW के साथ खेलता है, उसी तरह से आप भी खेल रहे हैं अपने खिलौने के साथ, सवालों के साथ। तो खेलते रहिए और जवाब बताते रहिए, क्या होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को क्रम से व्यवस्थित करना है।
जल्दी से बताइए कुछ खास बातें, कुछ खास बातें इस प्रश्न के बारे में। पहले अपने को भेज लो, फिर हमको भेज दो। इसे जल्दी से बताओ आप सभी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे। सबको पता है सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है 1913 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे सर सीवी रमन हो गया, सर सीवी रमन को मिलता है 1928-30 में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आती हैं मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को 1980 में 1979 में दिया जाता है। इसके बाद अमर्त्य सेन आते हैं 1999 में दिया जाता है। इसके बाद वेंकट राम कृष्णन आते हैं, इनको 2009 में दिया जाता है, 2007-09 में दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं, उसके बाद सीवी रमन आते हैं, तो 35 होगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे मदर टेरेसा आती हैं, 3 आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे 3-5-2, 3-5-2, तो 3-5-2 इसमें भी है और इसमें भी है ना। इसके बाद अमर्त्य सेन आते हैं, तो अमर्त्य सेन मेरे प्यारे बच्चे पहले हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। बिल्कुल 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 मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अगला खेलते हैं सवालों के साथ, सवालों के जज्बातों को समझिए और सवाल को से के साथ खेलिए, और सवाल के साथ ऐसा खेलिए, ऐसा खेलिए जाने की सवाल आप बहुत बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इसे बनाओ जल्दी से, इसे बनाओ आप सभी जल्दी से। कह रहा है सात लकड़ियां, सारी सात लड़कियां ए बी सी डी ई एफ और जी इस कतार में बैठी हैं कि इधर 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 बराबर किधर, यही आपको पढ़ के बताना है। कोशिश करिए जल्दी से, कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या उत्तर होगा, क्या नहीं होगा और क्या होना चाहिए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बहुत अच्छा शादाब, इसको बनाओ मेरे भाई। चलो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे, सात लड़कियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। चलिए देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन पर देखें, कह रहा है कि ए और जी दोनों छोर पर हैं, ए और जी दोनों छोर पर, तो यानी कि पहले छोर पर ए को बैठा देते हैं और आखिरी छोर पर जी को बैठा दिए। सात लोग थे, पांच लोग बैठ गए, सवाल तो आसान हो गया। अब देखिए ए और डी के बीच में सी है, ए और डी के बीच में सी है, तो ए है और यहाँ पर डी बैठा देते हैं, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगी, सी। तो ए और डी के बीच में सी आया। आगे पढ़ लो, यफ और जी के बीच में, यफ और जी के बीच में ई है, तो देखिए यफ, यफ और जी के बीच में कौन है, ई है, इसमें से कोई गायब है, कौन गायब है, बी गायब है, तो जो गायब है उसको बैठा दीजिए। तो बोला है कि डी के बीच में कौन है, तो डी हो गया, के बीच में कौन बैठी है, हो गया, तो डी के बीच में, यानी कि डी किसके बीच में बैठा है, सी और बी के बीच में, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, उड़ा देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी उड़ा देंगे। देखिए कितना मजा आ रहा है उड़ाने में, बहुत मजा आता है उड़ाने में, बस थोड़ा सा बेहतरीन खिलाड़ी हो जाइए कण की तरह, और एकदम अपने अपने आप को एकदम आक्रमण के साथ, ठीक है, अपना योद्धा अपने साथ रखे रहिए, कितना मजा आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इससे भी बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन प्रश्न, इसको बनाओ आप सभी जल्दी से, इसे बनाइए जल्दी से। चलिए, कह रहा है किसी कतार में 22 लड़के कुड़ाल के आगे हैं, कितने लड़के हैं, 22 लड़के कुड़ाल के आगे हैं, 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे हैं, यदि लड़कों की कुल संख्या 30 है
तो कुणाल तथा रोहित के बीच में खड़े लड़कों की संख्या बताइए। तो कुणाल तथा रोहित के बीच खड़े लड़कों की कुल संख्या बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। चलिए ध्यान से देखना और ध्यान से सीखना। कह रहे हैं किसी कतार में 22 लड़के कुड़ाल के आगे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर कोई कुड़ाल है, कुड़ाल के आगे कितने लड़के हैं? 22 लड़के हैं। तो जब 22 लड़के कुड़ाल के आगे हैं तो 22वें के बाद कुड़ाल 23वें नंबर पे होगा, यानी कि कुड़ाल कितने नंबर पे हो गया? 23 नंबर पे आ गया, सही है। दूसरी लाइन आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल कह रहा है कि 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे हैं। तो देखें कहीं पर मेरे प्यारे बच्चे रोहित है और रोहित के पीछे यहां से इसके पीछे कितने बच्चे हैं? तो 12 लड़के हैं। तो रोहित कितने नंबर पे हो जाएगा? तो आप बताएंगे बिल्कुल 13वें नंबर पे आ जाएगा। लड़कों की कुल संख्या 30 है। लड़कों की कुल संख्या कितना है? 30 है। तो कुणाल और रोहित के बीच में लड़कों की कुल संख्या बताइए। मैंने 90% सवाल बता रखा है, आपको बस 2% कोशिश करना है, सिर्फ 2% आपको कोशिश करना है। और जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा। ध्यान से देखें, मैंने आपको बता रखा होगा मेरे प्यारे बच्चे, t बराबर होता है x प्लस y माइनस क्या होता है? 1 होता है, सबको पता है। टोटल कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। 30 बराबर एक तरफ से कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 13। दूसरी तरफ से छोड़ देंगे, माइनस 1 हो जाएगा, सही रहा। अब होगा क्या कि 13 में से एक जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि वाई का मान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, सही रहा। अब आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चे ये 18 है और इधर 23 है, तो बीच में कितने बच्चे आएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे 19वें नंबर पर एक आएगा, एक 20वें नंबर पे आएगा, और एक कितने नंबर पे आएगा? 21वें नंबर पे आएगा, और एक कितने नंबर पे आएगा? 22 नंबर पे आएगा। तो कितने बच्चे बीच में आ रहे हैं? तो आप बताएंगे 4 बच्चे आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 4 बच्चे आ रहे हैं। कितने बच्चे आ रहे हैं? 4 बच्चे आ रहे हैं बीच में। समझ में आया कुछ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल है। कहते ना कि जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो जीवन के साथ खिलाड़ी बहुत बड़ा होता है। तो सवाल या प्रश्न उसी के साथ खेलता है जो उसके योग्य होता है। सवाल बेहतरीन है, आप भी बेहतरीन योद्धा बनिए, तब जाके पूरी बातें समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छा। सदाब का कमेंट आ रहा है कि 12 प्लस 22 माइनस 30, ठीक है, सही है। उत्तर आ गया तो बिल्कुल सही है, नहीं आए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। आगे चलें, समझ में आया? जल्दी से बताइए, सबको आ गया है? जल्दी से बोलिए मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, ये बनाओ मेरे बच्चे। धन्यवाद दीपक भाई, दीपक इसको बनाओ, इस प्रश्न को अपने दीपक से उजाला कर दो। दीपक हो गया, मुझे लग रहा है कहीं सिर्फ तुम वाले दीपक तो नहीं हो जिसमें गाना रहता है जिंदा रहने के लिए सिर्फ तेरी कसम। दीपक इसे बनाओ जल्दी से, इसे बनाओ आप सभी जल्दी से। क्या उत्तर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे। हो गया सर जी, का क्लास चलाइए अब। जीएस का क्लास अब 9 बजे चलेगा, जीएस का क्लास अब 9 बजे चलेगा, बिल्कुल आराम से। इसे बताइए मेरे प्यारे बच्चे, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है।
हो गया, रामचंद्र का प्रश्न आ रहा है कि वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है गुरुजी। तो वीडियो डाउनलोड ना होने का मतलब मेरे शिष्य मेरा चेला जी नेटवर्क आपके यहाँ नहीं होगा, जब नेटवर्क होगा तो बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, कह रहा किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से अधिक अंक प्राप्त किया ना। देखिए, राज जो है अधिक पाया, किससे पाया, मुकेश से, ऐसे बना देते हैं। आगे पढ़िए, किंतु प्रिया से ज्यादा नहीं, तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि प्रिया पाई है। आगे पढ़िए, प्रिया ने गौरव और कविता से अधिक अंक पाया है, गौरव ने मुकेश से कम अंक पाया। तो ध्यान से देखिए, गौरव जो है मुकेश से कम अंक पाया, तो मुकेश ज्यादा होगा और गौरव क्या होगा, कम होगा। गौरव क्या होगा, कम होगा। ये देखिए, गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किया, तो मुकेश ज्यादा पाया है, गौरव कम पाया है, किंतु अंक समूह में सबसे कम नहीं। तो अंक समूह में सबसे कम नहीं, तो इसका मतलब गौरव जो होगा थोड़ा सा पहले होगा। तो एक लड़की बची है, उसका नाम है क्या, प्रिया ने गौरव और कविता से अधिक अंक प्रिया प्राप्त किया, तो प्रिया गौरव सबसे पाई ही है, कविता से भी। तो कह रहा कि किंतु अंक समूह में सबसे कम नहीं, तो सबसे कम नहीं तो इसके पीछे एक ठो कविता रहेंगी। बातें स्पष्ट हो गया। तब पूछा कि गौरव का स्थान बताइए, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, आंसर होगा क्या, चौथा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला करेक्ट है। हो गया, कुछ बच्चे नहीं बना पा रहे होंगे, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। मत घुमाया करो मेरे भाई, मत घुमाया करो, मत घुमाया करो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे। हो गया, एक बार गुरुजी, बलिराम का कमेंट आ रहा है, एक बार गुरुजी, बलिराम एक बार और देख लो मेरे भाई। चलो, तुम तो सूर्या भाई हो। कह रहे किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से अधिक अंक प्राप्त किया, यानी कि जो राज है ज्यादा पाया, किससे पाया, मुकेश से। आगे कह रहा है किंतु प्रिया से ज्यादा नहीं, तो प्रिया से ज्यादा नहीं का मतलब प्रिया सबसे ज्यादा पाई। आगे कह रहा है कि प्रिया ने गौरव और कविता से अधिक अंक प्राप्त की पाई, तो प्रिया जो है गौरव और कविता से अधिक अंक प्राप्त की, तो गौरव और कविता नहीं है इसलिए छोड़ देंगे अभी। गौरव ने मुकेश से अधिक अंक प्राप्त किया, गौरव ने, तो गौरव ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किया, गौरव ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किया। ये तो गड़बड़ हो गया। कह रहा कि गौरव ने मुकेश से, सॉरी, यहां पर कम अंक प्राप्त किया ना, गौरव ने मुकेश से कम, तो मुकेश से कम का मतलब यहाँ पर गौरव हो जाएगा, अंक में सबसे कम नहीं है, तो सबसे कम नहीं तो मतलब ये किसी से ज्यादा है, तो किसी से ज्यादा का मतलब किससे ज्यादा कर देंगे, कविता से कर देंगे, आंसर हो जाएगा। हो गया, क्या हुआ सतीश, नेट सर नहीं चल रहा है, तो सतीश क्या कर सकते हैं भाई, जो कह दो कर दू सतीश, जो कह दो कर दू, बाकी सब क्या कर सकते हैं। हो गया, आज का आखिरी प्रश्न जल्दी से बना दो आप सभी। आज से मैथ एकदम शुरू से स्टार्ट होगा, नंबर सिस्टम उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए, पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, एकदम संख्या पद्धति बिल्कुल शुरू से, मैथ यानी कि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा शाम को 7 बजे। ये आखिरी प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। इसके बाद हम लोग 9 बजे से जीएस का क्लास लगाएंगे, 9 बजे जीएस का क्लास लगाएंगे हम सभी। एक बार जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे जल्दी से लाइक कर दीजिए। हो गया, सतीश को गांव से बाहर बुला लो, जंगीपुर बुला लो अखिलेश, तुम जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बहुत अच्छा, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, ई है, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि ई वाला सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चे मिलते हैं 9 बजे, यानी कि 9 AM पे मिलेंगे, हम लोग जीएस का 70 प्रश्न हल करेंगे। कितना प्रश्न, 70 प्रश्न हल करेंगे, आप मुझसे 9 बजे मिलिए, ठीक है, यानी कि अब से मात्र 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मुझसे मिलिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं 15 मिनट बाद। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और नोटिफिकेशन को ऑल कर दो, ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं 9 बजे। जय हिंद।